पुनः उपस्थित हूँ। तो हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, वल्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्वा के नाम से जानते हैं, वल्वा, वल्वा। ओके, तो डेट इज एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है। ये जो रीजन है कहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग कहते हैं, जैसे कि जब भी हम लोग पेट की तरफ का रीजन है उसे वेंट्रल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड कहते हैं। और बैक का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है पीठ की तरफ को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड के नाम से पुकारा जाता है। ओके, तो या तो आगे की ओर है तो यह इंटीरियर हुआ, या पीछे को हुआ तो ये पोस्टीरियर हुआ। ओके, तो इधर आपका वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल है, इधर आपका क्या है, दैट इज डॉर्सल है। ओके, तो देखेंगे हम लोग जैसे ही एब्डोमेन के नीचे देखते हैं फीमेल में, ये क्या है, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है। क्या है? फीमेल जेनिटेलिया है। मेल जेनिटेलिया हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो डैट इज ये कहाँ पे उपस्थित है अगर मैं बताना चाहता हूँ, तो ये उपस्थित है आपको एब्डोमेन के बाहर, यानी कि एब्डोमेन के बाहर है तो यह एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होगा। अगर देखे मैं देखना चाहता हूँ तो इसमें जो है ये मोन्स प्यूबिस, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ये हेयर रहेगा। इस हेयर को हम लोग क्या कहेंगे, ये हेयर आपका हॉरिजॉन्टली होगा। हेयर का ग्रोथ कैसा होगा? डैट हेयर का ग्रोथ आपको हॉरिजॉन्टली होगा। ये काफ़ी कसन लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा, उसे हम लोग मोन्स प्यूबिस के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस कहते हैं। तो इस रीजन में रहेगा तो मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिक रीजन है जो आपको एब्डोमेन के नीचे है, एब्डोमेन के नीचे है, यानी कि एब्डोमेन के नीचे प्यूबिक हिस्सा है। क्या है? प्यूबिक हिस्सा है। और प्यूबिक के लैटरल को हम लोग पेल्विक कहते हैं। ओके, तो प्यूबिक जो रीजन है फीमेल में वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ी होती है और गद्देदार होता है, काफ़ी यहाँ पर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, काफ़ी हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा मार्किंग होता है आपको मेल की अपेक्षा। तो ये फीमेल में मैंने बताया मोन्स प्यूबिस है, काफ़ी कसन लाइक होती है ना, तो इस तरीके से मैंने ये बताया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो मोन्स प्यूबिस के नीचे की ओर बढ़ते हैं, इसके नीचे की ओर, यानी कि ओके, यानी कि इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही मोन्स प्यूबिस के आगे एक्सटेंड की ओर हुए, यानी कि आगे बढ़े, तो आया एक बड़ा सा एरिया आया। इस बड़े एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैबिया मैजोरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लैबिया मैजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैबिया मैजोरा। जो लैबिया मैजोरा है, जो क्या है, ये आपको डबल मस्कुलर फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये दो है, मस्कुलर लाइक है, मांसपेशीय है, आपको दो मुड़ी हुई संरचना है जिसमें सीबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। सीबेसियस ग्लैंड सीबम निकालते हैं, इसके अंदर बहुत सारा सीबेसियस ग्लैंड वगैरह पाया जाएगा और पार्सली हेयर भी रहता है। ओके, तो मैंने ये बताया, ये जो है एकदम होमोलोगस होगा मेल का, कौन सा भाग हिस्सा, स्क्रॉटम के हिस्से के जैसे होगा, डैट एक्सटर्नल फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, ओपन होगा, क्लोज होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लैबिया माइनोरा की बात करते हैं, तो ये माइनर मस्कुलर फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ओके, माइनर है, ये मेजर आपको मस्कुलर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर था, दो में था, ये भी दो में था। लैबिया माइनोरा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लैबिया माइनोरा कहते हैं, MINORA। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये लैबिया माइनोरा है। इस लैबिया माइनोरा के इनसाइड क्या है कि आपको फीमेल वजाइनल पार्ट है जो ओपन होती है, इसमें आपको बर्थोलिन ग्लैंड है, इसके ऊपर देखो ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर ये क्लाइटोरिस है। क्या है? ये क्लाइटोरिस हुआ, डैट इज क्लाइटोरिस। मैंने लेबलिंग नहीं दिया है लगता है क्लाइटोरिस का, इसे क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये क्लाइटोरिस है जो आपको पेनिस के जैसा रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी पैसेज नहीं रहेगा। तो ये डैट इज डबल मस्कुलर फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको छोटी सी है लैबिया माइनोरा के अंदर है, उसे क्या कहते हैं? लैबिया माइजोरा के अंदर वाले भाग को लैबिया माइनोरा कहते हैं। इसमें हाइमेन वजाइना, हाइमेन जब रप्चर्ड होगा तो वजाइना ओपन होगी। ओके,
और वजाइना के बगल में आपको दो ग्लैंड पाए जाते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड मैंने बताया था जनरली क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के आपको प्राथमिक समय में, आपको पहले समय में आपको सबसे पहले जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस निकालते हैं जो वजाइना को आपको स्मूथनेस बनाने में मदद करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते कौन कौन है, मोन्स प्यूबिस आता है, ओके, दूसरा लेबिया मैजोरा आता है, तीसरा लेबिया माइनोरा आता है, चौथा क्लाइटोरिस आता है और हाइमेन आता है। ये इतने जो पार्ट हैं आपको एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को बनाता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं तो लेबिया माइनोरा जो आपको होमोलोगस जो होगा किसका होगा, ये आपको डैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का शायद होता है ना, बुक में देख लेंगे। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा तो मैंने जानता हूँ कि ये स्क्रॉटम का होता है, ओके। और ये जो क्लाइटोरिस है, एक क्लाइटोरिस इरेक्टाइल नेचर का है, सबसे ऊपर की ओर देखते हैं मोन्स प्यूबिस के नीचे की ओर, तो क्लाइटोरिस शंकुनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ढका रहता है। ये किससे ढका रहता है, आपको एक कैप से ढका रहता है, स्किन लाइक कैप से, उसे क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं, ओके। तो प्रीप्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस जो है फोर स्किन है। ये क्या है कि ये इरेक्टाइल टिश्यू है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो उसमें क्या हो जाती है, यह तन्य हो जाती है, यह इरेक्ट हो जाती है, इसके ब्लड वेसल्स में साइनसिस में ब्लड भर जाते हैं, इसके कारण यह आपको तन्य हो जाती है ना। लेकिन इसमें कोई भी पैसेज वगैरह नहीं होती है। अब हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो ये जो पोजीशन है इसमें फीमेल यूरेथ्रा है जिसके थ्रू आपको यूरिन पास आउट होगा, स्मॉल ट्यूबिंग है, यूरेथ्रल ऑर्फिस कहेंगे ओपनिंग को। इसके इर्द गिर्द एक और ग्लैंड है, उस ग्लैंड को ग्लैंड्स ऑफ स्क्रीन भी कहते हैं या तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। दो ग्लैंड फीमेल में होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एक बड़े वाले बर्थोलिन ग्लैंड यानी कि मेजर आपको वेस्टिबुलर ग्लैंड, एक लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, तो उसे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यूरेथ्रा के पास है, ओके। नेक्स्ट मैंने ये बताया यानी कि मोन्स प्यूबिस के बारे में बताया, उसके लेबिया मैजोरा के बारे में बताया, उसके लेबिया माइनोरा के बारे में बताया। क्लाइटोरिस जो मैंने बताया डैट इज द कॉनिकल शेप विच आर इरेक्टाइल इन नेचर। अब जो ये हाइमेन क्या है, लेबिया माइनोरा के इनसाइड अगर देखते हैं तो ये जो ओपनिंग है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, ये वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल, ये वजाइनल ओपनिंग है। और ये जो है ये वजाइनल क्या है, मसल्स है। अब ये जो है जब क्या होगा कि हम लोग देखेंगे इस तरीके से लाइनिंग जो है आपको काफ़ी पतला पतला जब रहेगा, झिल्ली जैसा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, हाइमेन कहेंगे। उस समय वजाइना आपको क्या रहेगा, नहीं दिखेगा। अब क्या है, डैट इज रप्चर्ड है, तो वजाइनल ओपनिंग भी है, तो यानी कि यहाँ पर जो हाइमेन है रप्चर्ड है। हाइमेन क्या होता है, हाइमेन मेम्ब्रेनस सब्सटेंस है। लोग कहते हैं कि ये वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो ये हाइमेन जो है आपको ब्रेक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, साइकिलिंग करने के दौरान आपको हॉर्स राइडिंग के दौरान, साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के दौरान आपको फीमेल गर्ल्स में क्या होती है, यह फट जाती है। किन्हीं किन्हीं आपको में देखते हैं, कहा जाता है 2 से 3 मंथ में आपको क्या होता है, यह पुनः आपको फिर से मेम्ब्रेन आपको फिर से फॉर्म भी हो जाते हैं, ओके। आजकल का तो फैशन है फॉरेन कंट्रीज़ में लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइमेन क्या करते हैं अपने शरीर में, वो पुनः फिक्स करते हैं, ओके। छोड़िए, हम लोग आते हैं, ये जो लेबिया माइजोरा है और लेबिया माइनोरा दोनों के बीच के भाग को फोर्चेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर्चेटी के नाम से जानते हैं, ओके। क्या कहा जाता है, फोर्चेटी कहा जाता है।
अब नीचे की ओर देखते हैं तो ये आपका है डैट इज एनस है, क्या है एनस है, डैट इज एलिमेंट्री कैनाल का डैट इज ओपनिंग है आपको, जहाँ से जो आपको डाइजेस्टेड जो वेस्ट है आपको क्या होगा शरीर से आउट होगा। एनस और लैबिया माइनोर नहीं लैबिया मैजोरा ये हिस्सा है, दोनों के बीच को पेरिनियम कहते हैं, क्या कहते हैं पेरिनियम कहते हैं। लैबिया मैजोरा ये इस पार्ट है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। लैबिया माइनोरा का जो अगर देखें तो ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस भाग को वेस्टिब्यूल की भी पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है वेस्टिब्यूल कहा जाता है, बीच के स्पेसी भाग को क्या कहा जाता है मसल्स के बीच के भाग को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ओके तो मैंने इतना आपको बताया डैट इन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया में, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया इज इवन नोन एज वल्वा, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया इज अलॉन्ग विथ मोन्स प्यूबिस लैबिया मैजोरा लैबिया माइनोरा क्लिटोरिस हाइमेन। ओके मोन्स प्यूबिस डैट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट ऑफ द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सेक्शंस डैट इज मोर हेयरी एंड कसन लाइक स्ट्रक्चर हु प्रोवाइड्स बॉडी डैट कसन, एक्सटेंडिंग पोर्शन ऑफ मोन्स प्यूबिस डैट अ मेजर सरफेस डैट डबल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर मसल मस्कुलर डैट इज कॉल्ड लैबिया मैजोरा। ओके इन साइड ऑफ लैबिया मैजोरा डैट इज अ डबल मस्कुलर फोल्डेड स्ट्रक्चर बट मिनिमाइज मस्कुलर फोल्डिंग दैन लैबिया मैजोरा डैट इज कॉल्ड लैबिया माइनोरा। ओके इन लैबिया माइनोरा डैट इज परसिस्टिंग वेजाइनल पार्ट यूरेथ्रल पार्ट एंड विथ एसोसिएटेड ग्लैंड इन वेजाइनल सरफेस बर्थोलिन ग्लैंड एंड इन यूरेथ्रल सरफेस डैट इज द पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ स्किनी ऑल्सो नोन इज प्रेजेंट। ओके will be told about that is the part of labia minora sections that is the muscular part is known as vestibule also known as vestibule. The region of labia majora and labia minora that part is called fourchetti. Actually as like in between anus position and labia majora position is even known as perineum. That I call about external genitalia. अगर हमारी ये वीडियोज़ काफ़ी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक कीजिए, लाइक ज़रूरी कीजिए, है ना, लाइक कीजिए ताकि पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़, है ना, और नए नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद बच्चों।